मार्केट में खाद मिल रहा है, खुलियाम मिल रहा है, रेट से ज़्यादा दाम पर मिल रहा है, लेकिन जो सरकारी दर पे मिलना चाहिए, जहाँ से मिलना चाहिए, वहाँ पर खाद की किल्लत है और किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को, कृषि मंत्री को इस बात पर ध्यान देना होगा और इन किसानों की समस्याओं को दूर करनी होगी। यूरिया के आयात कम होने से राज्य के किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जुलाई में आवंटन से 1,00,000 टन कम खाद बिहार को मिला। इसके बाद स्थिति सुधरी, लेकिन कमी की भरपाई नहीं की जा सकी, लिहाजा इसका लाभ व्यापारी उठा रहे हैं और किसान परेशान हैं। बाढ़ वाले कुछ जिलों को छोड़ दें तो रोज मारामारी की नौबत हो रही है, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। गया के फतेहपुर में महिलाएं भी सड़क पर उतर गई हैं, वहां पुलिस बुलानी पड़ी। खाद की आपूर्ति कम होने के कारण कालाबाजारी रोकने के विभाग के प्रयास भी विफल साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगातार यूरिया की किल्लत हो रही है और इसको लेकर के तमाम लोग हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं। नालंदा में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दो दिन पहले इस्लामपुर में खाद नहीं मिलने पर भड़के किसानों ने एक दरोगा की पिटाई कर दी थी। जिले में 20 में से 10 प्रखंडों में खाद का स्टॉक खत्म हो चुका है। गया में खाद की कमी से किसान परेशान है। दो दिन में अच्छी बारिश होने के बाद धान की फसल में खाद की ज़रूरत है, लेकिन बाजार में खाद नहीं मिल रही। फतेहपुर में तो महिलाएं भी सड़क पर उतर गई हैं। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने आक्रोशित होने की स्थिति में पुलिस को ही बुलाना पड़ा। आपको बता दें कि जिन जिलों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कैमूर में आवंटन के बावजूद 1,563,000 MT यूरिया अभी तक नहीं मिल सकी है। 2,76,084 MT यूरिया की जरूरत है, लेकिन गुरुवार तक 1,71,021 MT की यूरिया मिल सकी थी। किसान यूपी से खाद खरीद लाने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं भोजपुर में 2,000 से अधिक MT यूरिया उपलब्ध है, फिर भी किसानों के बीच यूरिया के लिए महामारी है। औरंगाबाद जिले में भी जितनी खाद की आवश्यकता है उतनी आपूर्ति नहीं हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के दोहरा नीति सरकार क्यों अपना रही है। सिवान में भी खाद की अब कमी दिखने लगी है, तो वही सासाराम में DM का आश्वासन के बाद भी यूरिया की रैक नहीं पहुंच सकी है। जिले में 45,000 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है और इधर सारण में बाढ़ से अधिक प्रखंडों में खेती नहीं हो पाई है, इससे पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का स्टॉक बन गया है। बक्सर में यूरिया का कालाबाजारी शुरू हो गई है। किसानों को 266.50 रुपये की जगह 350 रुपये प्रति बोरी यूरिया मिल रही है। वैशाली जिले में खरीफ फसल की बुआई इस वर्ष अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण काफ़ी कम हुई है, इसके कारण उर्वरक की खपत भी कम हो गई है। इधर जिला में 57 मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को अधिकारियों की 5 टीम बनाकर स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया, लेकिन यह टीम कैमूर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद और गया जिले में खाद की आपूर्ति और वितरण की स्थिति की समीक्षा करने के लिए गई है और रिपोर्ट करेगी। खाद की कम आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्र को बात की थी। कृषि मंत्री ने भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मिलकर आपूर्ति तेज करने की मांग की थी। वही विभाग के स्तर से भी कई पत्र केंद्र को भेजे गए। इसके बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ, लेकिन पिछला बकाया नहीं मिलने से परेशानी जिस स्तर से बनी थी वही बनी की रह गई, मांग भी बढ़ गई है। और उधर केंद्र ने सितंबर में अब तक 94,000 टन खाद बिहार को दिया है, यह इस महीने के आवंटन का लगभग आधा है। हालांकि कृषि विभाग के अनुसार इस हफ्ते 13 से 15 रैक यूरिया आने की उम्मीद है। यह खाद आ भी जाएगी तो पिछली कमी की भरपाई कठिन है। तो सवाल ये उठता है कि किसानों को अनदेखी क्यों किया जा रहा है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि खाद यूरिया जो है वो कभी भी किसानों को उसकी कमी नहीं होने दी जाएगी, और जब पीक सीजन आता है, जैसे कि अभी धान की फसल है और बारिश होने के कारण धान में खाद देने की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे मौके पर जब आपने उपलब्धता नहीं दी तो फिर बाकी खाली समय में आप उपलब्धता देकर क्या करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कालाबाजारी,
मार्केट में खाद मिल रहा है, खुलियाम मिल रहा है, रेट से ज़्यादा दाम पर मिल रहा है, लेकिन जो सरकारी दर पे मिलना चाहिए, जहाँ से मिलना चाहिए, वहाँ पर खाद की किल्लत है और किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को, कृषि मंत्री को इस बात पर ध्यान देना होगा और इन किसानों की समस्याओं को दूर करनी होगी। बिग न्यूज़ 9 चैनल को आप देखते रहिए और ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को अगर आप यूट्यूब पर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी से कर ले, और साथ ही साथ अगर हमारी खबर फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।